नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? उर्मिला भगतमती। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? हम इंदौर से आए सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमको 2011 17 फरवरी को ली हमने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ करते थे ना, जय गुरुदेव में थे हम लोग, जय गुरुदेव की भक्ति करते थे हम लोग। उसमें बहुत परेशानी हुई हम लोगों को, कितने 10-15 साल तक हमने भक्ति करी जय गुरुदेव की, कुछ लाभ नहीं हुआ। इतनी परेशानी थी हमारे को कि क्या बताएं, मेरे को प्रेत बाधा भी थी और पत्री की भी शिकायत हो गई थी। इतना मतलब तकलीफ थी कि मेरे को रोज दवा आती थी, सूजन चढ़ जाता था हाथ पैरों में, बहुत परेशानी थी मेरे को। और जैसे पत्री है तो मेरे को पेट में सूजन आ जाती थी और डॉक्टर को फिर बताया, दवा भी खाती थी तो भी आराम नहीं पड़ता था मुझे। और जैसे कि झाड़ा फूकी वाले को भी बताया तो उन्होंने मुर्गा उर्गा बताया, कहीं इधर जाओ कहीं उधर जाओ, बहुत पैसे बिगाड़े, कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। बहन जी आपने बताया कि आप 15 साल से जय गुरुदेव की भक्ति करती आ रही हैं लेकिन वहाँ आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि परेशानियों पर परेशानी आती गई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? हमारी मतलब बहन जी थी और संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम लिया, जा रही थी, मैंने कहा मेरे को भी ले चलो। सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए मुझे तो। मेरे को बचपन से सर में दर्द भी रहता था, सर में दर्द इतना रहता था कि मैं सुबह उठती थी और मेरे को आधा सर खूब दुखता था, मतलब माइग्रेन था मुझे, कुछ आँख से दिखता भी नहीं था और चक्कर आने लगते थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर को, कितने डॉक्टर को बताए, कितना दवा इलाज करा, सब थोड़ा बहुत आराम पड़ता था, नहीं भी पड़ता था, बहुत परेशानी थी। और हृदय रोग था मुझे और हाथ पैर में सूजन आना, चक्कर खा के गिर जाना, मेरे पित्त की थैली में पथरी थी। जांच करवाई तो डॉक्टर ने एक्सरे और वो करवाया सोनोग्राफिक, तो बोले आपको तो 2 पथरी है इसमें, और मतलब 8 mm की 6 mm की, तो बोले इसका तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और नहीं तो बोले दोनों पथरी रगड़ रही आपस में तो जख्म भी हो जाएगा, और जख्म के बाद ही क्या पीले पानी, खून का पानी बनता जाएगा आपका, तो बोले इसके लिए आपको है ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरे पास तो ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के पास गए हमारी भांजी के माध्यम से, फिर वहाँ से नाम दीक्षा ली, और मालिक से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर मेरी ये सारा नाम लेने के बाद ये सारी बीमारी सारी खत्म हो गई उसके भक्ति करने से, मेरे को बिगर दवाई के बिगर ऑपरेशन के। जैसे मेरे पति है ना, पति को हार्ट की शिकायत थी, हार्ट की लकवा भी आ गया था उनको, लकवा आने के बाद उनकी ना गले में आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, 15 दिन तक तो पानी नहीं गया था, तो एकदम बोलते थे मैं क्या करूँ, बोले मेरे को पानी दे पानी दे, मैंने कहा पानी तो आपका निकल जाता है मैं कैसे दूँ। उनको भी ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई और उनकी बीमारी सब ठीक हो गई मालिक की दया से। मैं जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जो दर्शक जो महिलाएं आपको देख रही हैं और वो किसी न किसी बीमारी से दुखी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ, मेरी यही प्रार्थना है आपसे, यही गुजारिश है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पे सत्संग आता है, उसमें कई चैनलों पे पट्टी चलती है संत रामपाल जी महाराज का पूरा मतलब एड्रेस और नाम पता आता है, उसको देखिए और उससे संपर्क करके आप संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब।